डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी। जी डेफिनेटली, जब एक्चुअली वैसे तो सोचा नहीं था कि महबूबा ये नो मेन वर्ड रहेगा इस सॉन्ग का, लेकिन जो सॉन्ग के लिरिक्स है उसके हिसाब से ये इतना अच्छे से ज्वाइन होके आया है एंड इट्स डेफिनेटली स्टैंडिंग आउट फ्रॉम पहले के महबूबा से डेफिनेटली, तो अच्छा लग रहा है। इट्स अ न्यू जनरा और न्यू महबूबा इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ डेफिनेटली, लाइक और क्या था कि हम लोग सेट्स इन द सिटी में शूट कर रहे थे भिवंडी, इमेजिन यहाँ पर कहीं पर गोरेगांव या अंधेरी, ये हमारा जो शूटिंग एरिया होता है, तो दूसरे लाइट्स मंगवा सकते हैं हम लोग टाइम टू सेव द टाइम, एंड देयर वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन। तो डेफिनेटली कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वी वर ऑल सेट रेडी, सब लोग डांसर्स से लेकर सब लोग रेडी थे, तो मैं यानी वर्ड्स में बता नहीं सकती, इट वॉज ऑल ब्लॉक्ड कि पता नहीं। पर जब आउटपुट देखा कि इतने टाइम में भी सुजीत सर ने इतना अच्छा आउटपुट निकाला है, तो हैट्स ऑफ टू हिम एक्चुअली। किस तरह रिएक्शन मिल रहा है आपको आपके गाने को लेकर, आपके फैंस से, आपके फैमिली मेंबर्स से, आपके फ्रेंड्स से, क्या कह रहे हो महबूबा महबूबा? एक्चुअली बाकी लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल या काफ़ी सारे लोग, इट्स वेरी हॉट सेक्सी एंड स्टिल पीपल आर लविंग इट। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी मेरी फैमिली की रिएक्शन, क्योंकि फाइनली हम सब काम करके फिर हमारे फैमिली के साथ रहते हैं एंड आई एम वेरी मच अटैच टू माई फैमिली। तो मेरी सिस्टर का भी, सिस्टर इज़ इन यूएस, तो उसका भी कॉल है कि इट्स लुकिंग वेरी गुड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मेरे घर के लोग ही मेरे बहुत बड़े क्रिटिक है, तो आई एम सो हैप्पी कि उनको अच्छा लगा। राम अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हौश ऐसा लगा मुझे, और बाकी का तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स आ रहा है। या जी एक्चुअली सिंस 2018 आई हैड पुट ऑन, लाइक बाद में कोरोना वगैरह भी था, आई वॉज 97 kgs, मैंने इतना पुट ऑन कर लिया था एंड मैं सोच ही नहीं सकती थी कि इतना मैं कम कर पाऊँगी, बट आई हैव 3 years में मैंने कम किया है, बट आई हैव नेवर, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है होता है उसके लिए, तो मैंने काफ़ी पेशेंटली वेट लॉस किया एंड यहाँ तक लेकर आया। एक्चुअली मैंने 55 kg कर दिया था 97 से लेकर, पर अभी 4-5 kg मैंने वापस बढ़ा लिया है क्योंकि इट वॉज लुकिंग टू क्रिंजी, यू नो। सो तो यस, आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। लोग काफ़ी गिव अप कर देते हैं, चलो 10 kg हो गया, हाँ बस हो गया, गिव अप करना ये ऑप्शन नहीं है। यू विल गेट मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, या बैक पेन होगा या कुछ भी होगा, यू हैव टू ओवरकम दैट, यू हैव टू कीप कंसिस्टेंसी की फोकस कि नहीं मुझे करना ही है, एंड दैट हेल्प्स आई गेस। मोटिव स्टार्टिंग से तो वही था, बट जैसे जैसे मैं नज़दीक आती गई कि अभी शूट करना है या एक साल बचा था, तो तब तक भी आई वॉज लेफ्ट विथ 10 kgs की, जब तक सॉन्ग बन रहा था मेरे पास स्क्रैच वगैरह है, तो डेफिनेटली तब मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया वेट लॉस को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट सी आपका एक थोड़ा ग्रैप क्रिएट हो जाता है, फिर आप आ रहे हो, तो इट्स लाइक आई हैव टू थिंक कि हाउ आई वांट टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ, या मुझे किस तरीके से दिखना है। आई एम द सेम सिंस सो मेनी इयर्स, बट मुझे कैसे प्रेजेंट होना है, व्हाट आई वांट टू लुक लाइक। लाइक मैंने बहुत सिंपल रोल्स किए हैं, सीरियल के रोल्स, यानी इवन मेरा जो थिएटर ड्रामा था परेशी के साथ, वो भी एक फैमिली ड्रामा रहा है, बहुत सिंपल रोल रहा है, पर मुझे पता है मैं इतनी ग्लैमरस दिख सकती हूँ, लोगों को नहीं पता है, ना ही मेरे इंडस्ट्री में इतना लोगों को पता था, तो दिस वॉज माई क्रिएटिविटी कि हाउ आई वॉन्टेड टू प्रेजेंट माई सेल्फ, इट्स प्योर एंड प्योर आर्ट। और डेफिनेटली सीरियल से दूर रहना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डांस के लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, हालांकि हमने इसमें इतना
मुझे हमें जितना एक्सपेक्टेड था उतना हमने आउट एंड आउट डांस नहीं दिखाया है, आई हैव टू बी ऑनेस्ट फॉर दैट. बट आउटफिट के लिए, आउटफिट टू डिज़ाइनिंग से लेकर के क्या होना चाहिए उसमें आई वॉज टोटली इन्वॉल्व. मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी पर उसको सब मैंने खुद शॉपिंग से लेकर बिट से उसको पूरा आई थिंक दो हफ्ते थे तो इट वॉज नॉट इनफ फॉर अस टू गेट समथिंग दैट इज़ वेरी मच रिलेवेंट. जो अभी दिख रहा है ये लुक बनाना पॉसिबल नहीं था. तो मेरी मैं बेसिकली सारे प्रोसीजर्स में से मैंने खुद ध्यान देकर बनाया है ये सब. सच बताऊँ तो मुझे फिल्म से ही कमबैक करना था, मेरी इच्छा तो वही थी. बट मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ पॉसिबल नहीं है मशीनरी सब अरेंज करना, तो आई चोज द सॉन्ग. उसमें भी ऑप्शन था कि इसको कम लेवल पर, छोटे लेवल पर या ऐसे ही बनाने के लिए ये ऑप्शन था, बट नो, आई चोज टू बी बेस्ट जो हो सकता है इसके लिए. Also, आपके एसोसिएशन के बारे में बताइए, टी सीरीज इतना बड़ा ब्रांड है और उन्होंने लॉन्च किया है, थोड़ा सा बताइए कि उनको जब आपने गाना दिखाया क्या रिएक्शन था और उनके साथ एसोसिएशन के बारे में क्या. बाई गॉड्स ग्रेस आई विल से, और मैंने दिमाग में यही रखा था पहले से, जब से मैंने स्क्रैच बनवाया था, मैंने जब ऑडियो बनवाया उनको, राजन खेरा जी को भी मैंने बोला कि मुझे ये सॉन्ग टी सीरीज में जाना चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए ऑडियो हो या, तो उनको पता है. पर मैंने जस्ट इतना किया कि जो मेरे टीम के मेंबर्स है, जो डायरेक्टर कोरियोग्राफर हो गया या कोई भी, तो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ सिलेक्ट की मैंने. हालांकि मैंने उनके विजन पर ट्रस्ट किया कि क्या कैसे दिखेगा. एंड जो रिएक्शन आप टी सीरीज़ की है, मैं फर्स्ट मीटिंग में जब बैठी टी सीरीज़ के साथ, तो देवर लाइक डांसिंग इन द चेयर एंड फुट टैपिंग एंड लाइक देवर सेम डे उन्होंने बोला हाँ ठीक है पैन कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, दीदी गाना चलो रजिस्टर कर दे. इतना इनका उनका रिएक्शन इतना बढ़िया रहा है. आई एम सो थैंकफुल टू टी सीरीज कि उनको भी इतना पसंद आया. आई थिंक ये चीज़ थोड़ी जम के आई है ऐसा है. जी बिग बॉस यानी अभी तो रिसेंटली मैं नहीं देखती, कुछ जो न्यूज़ में दिखता है थोड़ा बहुत वो देखती हूँ. वरना मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यू आर नॉट मेड फॉर बिग बॉस, सो मैं इतना लाइक जो उसमें बिग बॉस में जो चीज़ें रहती है आई एम नॉट मेड फॉर दैट डेफिनेटली. सॉरी मैं गाने के इसमें ही बिजी हूँ, मैंने नहीं देखा बिग बॉस का एपिसोड. बिग बॉस मराठी आने वाला है तो क्या अभी हम आपको मराठी बिग बॉस में देख पाएंगे? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप करना पसंद करेंगे बिग बॉस मराठी या बिग बॉस हिंदी? अभी आई एम नॉट रियली श्योर, जैसे कि आई डोंट थिंक सो. मैं बिग बॉस लाइक जैसे यानी इट्स वेरी मेरे लिए एज एन एक्टर इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. हाँ ऐसे कोई डेफिनेटली स्पोर्ट्स या खतरों के खिलाड़ी या डांस शोज डेफिनेटली मैं करना चाहूँगी. जी वर्कआउट चल रहा है आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए, मैं डेफिनेटली जल्दी अपडेट कर दूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. जी सिंगल सिंगल चालू जी.